हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ दोबारा से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। और लोकेशन को देख के आप समझ गए होंगे और ट्रेलर देख के कि हम लोग कहाँ हैं। डियर, हम लोग हैं एक कैंपिंग में और हम लोग जाने वाले हैं ऑफ रोडिंग के लिए, जो है रामनगर क्रीम कॉर्बेट से 20 किलोमीटर दूर। जी हाँ, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ये रिजॉर्ट है। फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे है टेंट, लग्जीरियस टेंट्स और 4 रूम्स जो कॉटेज हैं बने हुए, स्पेशियस हैं और बेडिंग बहुत अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल बेड्स हैं, गद्दे हैं, सब कुछ। मतलब इट्स डिफरेंट फील। और खाना ऑसम है गाइस, मतलब बिल्कुल घर जैसा खाना है आपको मिलेगा यहाँ पे। मतलब हम लोग रात 11 बजे पहुँचे थे और हम लोगों ने जब ऑर्डर करा और जब सर्व हुआ हमें, तो हमको यकीन नहीं हो रहा था कि वी आर स्टेइंग समवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम होम। सो गाइस, ये लोकेशन है। आप देखेंगे पीछे दो नदियाँ हैं यहाँ पे जो आपस में मिल रही हैं और सराउंडेड है चारों तरफ पहाड़ों से। और आप लकी हुए तो यू कैन फाइंड इट हियर लेपर्ड, डियर्स भी आ सकते हैं आपके आसपास, वाइल्ड बोर काफ़ी हैं यहाँ पे और नेचुरल वेजिटेशन है, मौसमी के काफ़ी सारे पेड़ मिलेंगे आपको। सो इट्स ओवरऑल देखा जाए तो वंडरफुल लोकेशन, नाइट लाइफ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। डिस्को कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर स्पेशियस स्पेस बना हुआ है स्पेशली फॉर डीजे। और अगर आप कैंप फायर करना है तो एम्प्टी स्पेस है, मतलब बहुत स्पेस है, यू कैन स्टे इजली और इन्जॉय। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टेंट हैं वो बहुत स्पेशियस हैं, इनबिल्ट लेटरिन बाथरूम है और 24x7 गीजर फैसिलिटी है विद कूलर्स एंड एसी। और अगर आप गेम बच्चों के साथ हैं और गेम्स प्ले करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बड़ा लॉन है ग्रीनरी के साथ। सो गाइज, ये है पूरा इस रिजॉर्ट के बारे में। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा राउंड टेंट्स का। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने लग्जरियस टेंट जो वाकई में लग्जरियस हैं और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर आप बेडिंग्स देखेंगे, पिलोज देखेंगे, इट्स द क्वालिटी इज़ टू गुड। और जिस कॉस्ट पे हम लोग यहाँ पे रुके हैं मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, इट्स अमेजिंग, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। और चारों तरफ विंडोज़ हैं, विंडो ओपन करके आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं विंडोज से। और 24x7 लाइट की फैसिलिटी है यहाँ पे, एसी है, कूलर है और ये जो बल्ब लगे हैं रात में तो मतलब लग रहे थे, एक समर सा माहौल बन गया था टेंट के अंदर। सारी थकान उतर गई थी 15-20 मिनट लेटने के बाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की जो है आपका वॉशरूम्स। सो गाइस, वॉशरूम इज आल्सो टू गुड, बिल्कुल साफ सुथरे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी सर्दी में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है गर्म पानी, वो 24x7 अवेलेबल रहता है। आप किसी बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, जस्ट जाइए और गीजर ऑन करिए और इन्जॉय करिए। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है घूमते फिरते रिजॉर्ट में इधर से उधर। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और तैयारी करते हैं निकलने की, अदरवाइज वी गॉट लेट। अभी ऑफ रोडिंग के लिए जाना है, फिर हमें कॉर्बेट में डिकाला जोन में एंटर भी होना है। तो लेट्स क्लोज और जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो दोस्तों, हो गए ना आप थ्रिल? जी हाँ, ये थी असली ऑफ रोडिंग जो है रामनगर से 20 किलोमीटर दूर मारचूला में।
और ये और कोई रिजॉर्ट नहीं कराता, ये सब ऑफ रोडिंग को सिर्फ ऑफर करता है आपका एक ही कैंपिंग पॉइंट, वो है चरनी रिजॉर्ट एट मारचूला। गाइस अब बात करते हैं कॉस्ट की। गाइस देख के लग रहा होगा बहुत एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल भी नहीं। पर नाइट स्टे कॉस्ट है 2000 पर हेड की, विच इंक्लूड अ डिनर, ब्रेकफास्ट एंड दिस अमेजिंग राइड ऑफ रोडिंग। हम अगर जा रहे हैं और नाइट स्टे बाहर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वेन्यू को ट्राई जरूर करें, क्योंकि एक्सक्लूसिव है ये बिल्कुल, और डिफरेंट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली सराउंडेड बाय नेचर। तो आप कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, स्टे कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग तो है ही ऑफर आपको साथ में, प्लस आप रात में अगर स्टे करना चाहते हैं और आपको शौक है रिवर साइड कैंपिंग का तो वो भी प्लान कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, होप ये आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमेडली कर लें, डेट इज हनी अली फ्यूचर व्लॉग्स, फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, जिसमें हम लोग कर रहे हैं ऑफ रोडिंग, और पूरा फोकस जो है वो व्लॉग ऑफ रोडिंग के ऊपर। सो मिलते हैं दोबारा बहुत जल्दी आपसे।